शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोहब्बत की जानी चाहिए, भरपूर की जानी चाहिए, खुल के की जानी चाहिए, मस्त होकर की जानी चाहिए। लेकिन मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि कहा ही जाए। जो मोहब्बत बेकहे होती है, जो मोहब्बत निगाहों से होती है, जो मोहब्बत ख्यालों से होती है, जो मोहब्बत रूह से होती है, जो मोहब्बत बिना अल्फाज के इस्तेमाल किए होती है, जो मोहब्बत शब्दों का प्रयोग किए बिना होती है, जो मोहब्बत सिर्फ देखने भर से होती है, वही मोहब्बत होती है। बाकी तो सब झूठ है मेरे यार। इसलिए मोहब्बत करो तो जम के करो, लेकिन इतना खुल के कहो मत। सुनते हैं मोहब्बत की कुछ बातें शिखा शुक्ला से। जोरदार तालियों। नमस्कार सभी को, और मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जिंदगी में अगर कोई गम आए तो बस हमें याद कर लीजिएगा सनम। अश्क आंखों में आकर छलक जाए तो एक आवाज दे दीजिएगा सनम। जिंदगी में अगर कोई गम आए तो बस हमें याद कर लीजिएगा सनम। के आंसुओं को चुराएंगे हम। दर्द हो जो भी दिल में बता दीजिए, अपनी चाहत से उसको मिटाएंगे हम। साथ जब छोड़ दे साया भी आपका, तब हमें थाम लेना वही होंगे हम। अश्क आंखों में आकर छलक जाए तो एक आवाज दे दे सनम। आपके तन्हा जीवन के साथी हैं हम, आपकी मुस्कुराहट अमानत मेरी, सारी खुशियां मेरी आप ही के लिए। आप ही तो है केवल इबादत मेरी, छीन कर आपकी आंखों की हर नमी, मुस्कुराहट लबों पर सजाएंगे हम। अश्क आंखों में आकर छलक जाए तो एक आवाज दे दीजिएगा सनम। जिंदगी में अगर कोई गम आए तो बस हमें याद कर लीजिएगा सनम। वाह वाह लखन। जब किसी मोड़ पर आप तन्हा रहो, आप पड़े जब अंधेरों की परछाइयां। क्या बात। जब किसी मोड़ पर आप तन्हा रहो, आप पड़े जब अंधेरों की परछाइयां। आपके अपने ही जब महसूस करना हमें, आपके पास हरदम रहेंगे सनम। अश्क आंखों में आकर छलक जाए तो एक आवाज दे दीजिएगा सनम। जिंदगी में अगर कोई गम आए तो बस हमें याद कर लीजिएगा सनम। एक आवाज दे दीजिए। वाह वाह बहुत बढ़िया।
नोट आप राहुल कुंभकार और प्रवीण अत्रे ने इस महफिल में चार चांद लगा दिए और हम बुलाते हैं उसे जो पहली बार वाह भाई वाह के मंच पे आई है। राहुल भी पहली बार आया और उन्होंने कमाल कर दिया और ये पहली बार आए और मुझे लगता है अपने खास अंदाज में इनकी बातचीत में इनकी बोली में एक अलग राजस्थानी लहजा है और उस राजस्थानी लहजे से ये बात करती है। लेकिन मुझे लगता है कि लहजा चाहे किसी भाषा किसी बोली में हो लेकिन दिल की बात अगर दिल से की जाए तो दिल तक पहुँचती है। दीपा देवयानी चौमू जयपुर से हमारे बीच। वाह भाई वाह के इस मंच से दीपा देवयानी आपको प्रणाम निवेदित करती है और ये जो काव्य का अनुष्ठान चल रहा है इसमें आप बेटियों की भी आहुति इसमें लग रही है, ये सबसे सुंदर बात है। इसके लिए मैं शैलेश सर को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करती हूँ और बहुत बहुत सादर आभार। और वाह भाई वाह के इस मंच से जो ये काव्य का अनुष्ठान है जो देश के कोने कोने से नई प्रतिभाओं को लेकर आ रहा है और उनकी इस काव्य अनुष्ठान में आहुतियाँ हो रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। सर, दारू से जो है देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा इफाजा होता है, इजाफा होता है लेकिन नहीं, क्या दारू का वर्ड आता है तो सब उल्टा हो ही जाता है। अगर दारू वर्ड आने के बाद भी इफाजा नहीं हो इजाफा का, फिर कहेगी दारू। लेकिन घर की जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उसके कुछ हालातों पर मैंने गीत लिखा है, आपके समक्ष रखती हूँ। हाँ हाँ रे फिर से कर ले, ये दारू का इफेक्ट। हाँ हाँ रे छोड़ आई रे, हाँ हाँ जी छोड़ आई रे, हाँ हाँ रे छोड़ आई रे, सच में छोड़ आई रे। रोज पीवे दारू जी सैया घर में झूमता वे, रोज पीवे दारू जी सैया घर में झूमता वे, रोज रोज की तेरी मेरी रोज की हाथा पाई रे। हाँ हाँ रे छोड़ आई रे, सच में ही छोड़ आई रे, हाँ हाँ रे छोड़ आई रे, सच में ही छोड़ आई रे। मैं एक शो किया करता था, उस शो में कुछ 4-5 बरस पहले किसी एक एपिसोड में मैंने कहीं गरिमा सक्सेना के कुछ दोहे कहीं मेरे निगाह से गुजरे थे। मैं गरिमा को जानता नहीं था, आज उनसे पहली बार मिल रहा हूं और वो दोहे मैंने उस शो में पढ़े थे गरिमा का नाम लेके, क्योंकि गरिमा सक्सेना ये कहती है, उन्होंने बेटियों और नारी पे कुछ दोहे कहे थे और तब से मेरे दिमाग में था कि ये एक लड़की है जो अच्छा लिखती है। और फिर आज वाह भाई वाह के मंच पे पहली बार उसे प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। गरिमा सक्सेना बैंगलोर से हमारे बीच। मैं शिमारू टीवी और शैलेश सर का आभार व्यक्त करती हूँ और एक मुक्तक आप लोगों के सामने रखती हूँ। हूँ तेरे इश्क में पागल फितूरी पर नहीं हूँ मैं,
हूँ तेरे इश्क में पागल फितूरी पर नहीं हूँ मैं, अधूरी ही मिली तुझसे अधूरी पर नहीं हूँ मैं, अधूरी ही मिली तुझसे अधूरी पर नहीं हूँ मैं, समझ अब फर्क लहजे का तेरे मुझको भी आता है, समझ अब फर्क लहजे का तेरे मुझको भी आता है, जरूरत तो हूँ मैं तेरी जरूरी पर नहीं, हाय हाय वाह वाह, जरूरत तो हूँ मैं तेरी जरूरी पर नहीं हूँ मैं। और इसके बाद मैं एक गीत रखती हूँ आप लोगों के सामने, लगभग हर घर में ऐसा अक्सर होता है, यहाँ पर बीवी अपने मायके जाने की इच्छा रख रही है पति के सामने, तो देखिए क्या कहती है। पति तो नाचने लगा होगा, अक्सर पति मन में तो यही कर नाच ही रहे होते हैं नॉर्मली, जैसे ही पत्नी कहती है फूट रहे होते हैं। हाँ, पत्नी जैसे नॉर्मली कहती है मायके जा रहा हूँ, अच्छा कब आओगी, 15 दिन, मेरा जी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मन ही मन पति यही सोच रहा होता है कि चलो कुछ दिन के लिए बल्ला टली। तो पत्नी कहती है, माँ के घर जाकर आती हूँ, बहुत दिवस बीते, माँ के घर जाकर आती हूँ, बहुत दिवस बीते, थोड़ा रखना ध्यान स्वयं का, जल्दी आऊंगी। ये जल्दी आऊंगी जो है, एक धमकी भरा जल्दी आऊंगी भी है और एक प्यार भरा जल्दी आऊंगी तो भी। इसका देखो जो थोड़ा सा अंदाज है वो बदल दो कहने का, है ना, माँ के घर जाके आती हूँ, बहुत दिन बीते, थोड़ा रखना ध्यान जल्दी आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तब पति को समझ में आएगा कि जल्दी आऊंगी थोड़ा सा नहीं, वो अभी तक सारे लहजे समझ रहे हैं, उसके सारे जितने तात्पर्य हो सकते हैं वो भी वो डिकोड कर रहे हैं। जी डिकोड कर रहे हैं, वाह क्या बात है गरिमा, बहुत अच्छे। माँ के घर जाकर आती हूँ, बहुत दिवस बीते, थोड़ा रखना ध्यान स्वयं का, जल्दी आऊंगी, अरे हाँ जल्दी आऊंगी, अरे हाँ जल्दी आऊंगी। और पति अपने मन में नाच रहा है, लेकिन बीवी जान रही है कि पीछे क्या हाल होने वाला है, घर में क्या भूचाल आने वाला है, तो पत्नी कुछ हिदायतें देके जा रही है। घड़ी चाबियां मोजा पर्स रुमाल चिढ़ाएंगे, घड़ी चाबियां मोजा पर्स रुमाल चिढ़ाएंगे, आंख मिचौली खेल खेल कर तुम्हें सताएंगे, आंख मिचौली खेल खेल कर तुम्हें सताएंगे, कहीं नमक के धोखे में ना चीनी पड़ जाए, कहीं नमक के धोखे में ना चीनी पड़ जाए, यही सोचकर हर डिब्बे पर, यही सोचकर हर डिब्बे पर लेबल चिपकाए। वाह क्या बात है। और नहीं मिले सामान अगर फिर भी, नहीं मिले सामान अगर हैरान नहीं होना, मुझे लगाना फोन प्रिय मैं जानू हर कोना, नहीं मिले सामान अगर मुझे लगाना फोन प्रिय जानू हर कोना, मुझे लगाना फोन प्रिय मैं जानू हर कोना, मोबाइल पर हाँ मोबाइल पर, मोबाइल पर मैं सारी मुश्किल सुलझाऊंगी, थोड़ा रखना ध्यान स्वयं का, जल्दी आऊंगी, थोड़ा रखना ध्यान। और ये तो पत्नी ने अपने काम कर दिए, अब पति को क्या क्या करना है वो भी बता के जा रही है। तुलसी में जल और सांझ में दीपक धर आना, तुलसी में जल और सांझ में दीपक धर आना, जो एक गृहिणी होती है वो कहीं भी रहे उसका जो दिल और दिमाग है वो घर में ही रहता है। तुलसी में जल और सांझ में दीपक धर आना, शीशे पर चिपकी बिंदिया से कुछ पल बतियाना, हाय 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 बहुत बढ़िया, बिंदिया से बहुत अच्छा गरिमा, बहुत बढ़िया वाह। स्वर्णिम यादों की एल्बम को, स्वर्णिम यादों की एल्बम को कुछ पल दोहराना, स्वर्णिम यादों की एल्बम को कुछ पल दोहराना, दूरी लाती पास, दूरी लाती पास, यही तुम मन को समझाना, वाह वाह, दूरी लाती पास, यही तुम मन को समझाना। और मैं जानती हूँ
खिड़की आंगन दीवारें होंगे सारे गुमसुम, खिड़की आंगन दीवारें होंगे सारे गुमसुम, आऊंगी फिर लाऊंगी मैं बातों के मौसम, आऊंगी फिर लाऊंगी मैं बातों के मौसम। और एक सच बताती हूँ और एक सच कहती हूँ कि अधिक दिनों तक दूर नहीं, अधिक दिनों तक, हाँ अधिक दिनों तक दूर नहीं मैं भी रह पाऊंगी, थोड़ा रखना ध्यान स्वयं का, जल्दी आऊंगी। हाँ, जल्दी आऊंगी। बहुत बढ़िया करे, बहुत।